हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। इट्स 6 AM राइट नाउ एंड मैंने सोचा आप लोगों को अपने विंडो का व्यू मतलब दिखा दूँ थोड़ा सा। कितना अच्छा मौसम हो रखा है, बहुत अच्छा लग रहा था सुबह के 6 बजे। वो जो कोयल की आवाज़ आती है, चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़ आती है, बहुत सुकून देती है कानों को और बहुत अच्छा लगता है। सच बताओ तो उठने का मन बिल्कुल नहीं करता, लेकिन एक बार उठ जाओ ना तो फिर ऐसा लगता है कि मतलब बोलते हैं ना रम जाते हैं उसमें, तो काफ़ी अच्छा लगने लगता है। सिर्फ एक उठने भर की दिक्कत होती है, मतलब ना एक वो पुश चाहिए होता है कि उठो उठो। एक बार आपने बिस्तर छोड़ा ना तो उसके बाद तो जैसा लगता है कि फिर बिस्तर देखने का मन नहीं करता, लेकिन वो जो बिस्तर से नींद से जागने, जागने से बिस्तर छोड़ने तक का जो प्रक्रिया होती है ना, वो थोड़ी डिफ़िकल्ट होती है मेरे लिए तो स्पेशली, बहुत ज़्यादा, बिकॉज मैं ऐसी हूँ जिसको नींद बहुत ज़्यादा पसंद है एंड आई लव स्लीपिंग। तो फिर मतलब मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है बिस्तर छोड़ना, लेकिन अब धीरे धीरे टिफ़िन के लिए मतलब मैंने आदत डाल ली है उठने की। फिर भी कभी ना कभी ऐसा मिस हो ही जाता है यार, मतलब हफ्ते में एक आध दिन तो मैं ऐसे दांडी बोलते ना दांडी मार ही देती हूँ टिफ़िन बनाने में, लेकिन कोशिश करती हूँ कि ना हो। और यहीं पर सुबह 6 बजे टिफ़िन बनाने के लिए उठी हूँ और आज टिफ़िन में बनाने वाली हूँ रोटी भाजी एज़ यूजल। राइस मेरे हस्बैंड नहीं लेके जाते हैं, और अगर लेके भी जाते हैं फ्राइड राइस तो बहुत ही कम लेकर जाते हैं। मतलब अभी तक तीन चार साल हो गए हमारी शादी को, इसमें सिर्फ 2 बार ही राइस लेके गए, वो भी अब लेके जाना उन्होंने शुरू किया है, वो भी फ्राइड राइस, वो भी कॉर्न वगैरह है, खूब सारी वेजिटेबल्स है तो उनको पसंद है, अदरवाइज़ ही डोंट लाइक राइस। तो यही है, यहाँ पे सब्जी चेक कर रही हूँ कि मतलब आलू पके हैं कि नहीं अच्छे से, और नहीं तो अगर बीच में आलू पूरी पक जाती है लेकिन बीच में कच्ची रह जाती है, तो इसीलिए ना उसको अच्छे से दबा के प्रेस करके चेक करती हूँ। थोड़ा गर्म तो रहता है, जलते रहता है, बट ठीक है, इट्स ओके। एंड फिर यहाँ पे आटा लगा रही हूँ फटाफट से। सब्जी तो देख ली आप लोगों ने, ऑलमोस्ट बन गई है, एक तरफ चाय चढ़ा दिया है। चाय और सब्जी मेरी ऐसा ही है, चाय सब्जी पकती रहती है, फिर आटा लगा लो और फिर अपना पानी पी लो, और फिर उसके बाद सबको चाय वगैरह देती हूँ, फिर रोटियाँ सेकना स्टार्ट करती हूँ एज यूज। मतलब मोस्टली मेरा यही रूटीन रहता है रोज का। और फिर उसके बाद देख लीजिए, यहाँ पे सबको चाय चढ़ा रही हूँ, चाय देने के बाद रोटी वगैरह सेकना शुरू कर दी है, भाजी बनी गई है। और रोटियाँ ना बहुत अच्छी फूलती हैं, बहुत अच्छी बनती है जब ना ताज़ा ताज़ा आटा रहता है। कभी कभी मैं फ्रिज में रख भी देती हूँ शाम को आटा, मतलब रात को मैं सोने से सारे काम ख़त्म करने के बाद 11:30-12 बजे के करीब आटा लगा के तब सोती हूँ। कभी कभी मैं ऐसा भी करती हूँ जब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे प्रेपरेशन करके सोनी चाहिए। प्रेपरेशन में देखिए मैं अधिकतर ऐसा करती हूँ, आटा रात को 12 बजे लगा देती हूँ और सब्जी कट करके तब सोती हूँ। क्या फिर सुबह उठ के मुझे ये झंझट नहीं रहता, तब मैं 6:30 तक उठती हूँ अगर मैंने ये सब प्रेपरेशन किया है। अदरवाइज़ मैं 6 बजे उठती हूँ तो मुझे ये सब अगर प्रेपरेशन नहीं भी किया हो तो भी टिफ़िन टाइम से बन जाता है। तो फिर मैंने कल रात में आटा नहीं लगाया था, मैंने सोचा था मैं ताज़ा ताज़ा ही लगाऊंगी, बिकॉज ताज़ी आटे की रोटी को ज़्यादा अच्छी होती है, मेरे हस्बैंड को ज़्यादा पसंद है कंपैरेटिवली वो रखे हुए आटे से। तो इसलिए कोशिश करती हूँ कि ताज़ा आटा लगा कर ही रोटी बनाऊं, और कभी कभी यार आलस तो आ ही जाता है, इंसान मैं भी हूँ तो ऐसा ही है कुछ। यहाँ पे टिफ़िन बन रही है, टिफ़िन की तैयारी हो गई है, और बीच में ना राघव की तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई थी तो उसकी वजह से मैंने व्लॉगिंग नहीं कर पाई, वीडियो कंटिन्यू नहीं कर पाई, और फिर पूरा दिन उसे मैं चला गया उसका ख्याल रखने में, उसमें ही बिज़ी हो गई थी। और लंच में मैंने दाल राइस बनाया था, चने वाली दाल बनाई थी, बहुत टेस्टी बनी थी। मैंने सोचा था आप लोगों के साथ रेसिपी वगैरह शेयर करूँगी, बट ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया बिकॉज राघव पर थोड़ा मुझे ध्यान देना था, उसको फीवर हो रहा था तो मैं स्किप कर गई, वो नहीं शूट कर पाई। तो वही मॉर्निंग की दाल है, मैंने गरम करके हस्बैंड के लिए डिनर निकाल रही हूँ, और थोड़ी सी दाल मैं भी ले रही हूँ बिकॉज ये मेरी फेवरेट दाल है, तो मैंने सोचा थोड़ी सी दाल खा लेते हैं। बस यहाँ पे उनको डिनर सर्व कर दूँगी, उसके बाद मुझे पापा के लिए दाल बनानी है। आज दाल इस वजह से बन रही है बिकॉज आज हमारे यहाँ कढ़ाई नहीं चढ़ने वाली है। एक्चुअली हमारे खानदान में एक जन के यहाँ डॉटर हुई है, मतलब समझ लीजिए मेरी भी डॉटर ही लगेगी वो, मतलब मेरी मेरे देवर लगेंगे शायद, तो उनको लड़की हुई है तो इसी वजह से छठी है उसकी, तो हमारे यहाँ छठी नहीं सहता है, मतलब छठी सेलिब्रेट नहीं करते, तो इसलिए आज के दिन कढ़ाई नहीं चढ़ती है। तो यही वजह है कि मतलब आज दाल बन रहा है, मॉर्निंग में भी दाल, इवनिंग में भी दाल। तो यहाँ पे पापा के लिए रहर की दाल बना रही हूँ, तुअर दाल जिसको बोलते हैं नॉर्मल, और फिर पापा उसी से दाल रोटी खाएंगे। पापा ने मॉर्निंग में खुद ही बोला था, मैंने उनसे पूछा था पापा क्या बनाऊँ, या फिर मैं कुकर में भाजी बना सकती थी, लेकिन पापा ने सामने से बोला मुझे शाम को दाल रोटी खाना है, तो फिर इसीलिए, अदरवाइज मैं उनके लिए कुकर में कोई वेजिटेबल मतलब बना देती कोई वेजिटेबल, बट उन्होंने जब सामने से बोला तो इसीलिए मैंने बोला ठीक है जब पापा बोल रहे हैं तो बना ही देते हैं। तो ये वीडियो मैं यहाँ पे एंड करने जा रही हूँ, आई एम सो सॉरी, मैं ठीक से अच्छे से शूट नहीं कर पाई आज का वीडियो पूरा। मॉर्निंग से वीडियो मैंने स्टार्ट तो किया था बट इन बिटवीन ज़्यादा तो शूट नहीं हो पाया, आई एम सो सॉरी फॉर दैट, बट आई मेक श्योर कि अच्छा ब्लॉग बहुत अच्छा हो आप लोगों के लिए, एंड होने वाला भी है बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही एक्साइटिंग।
तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, बिकॉज नेक्स्ट ब्लॉग की भी तैयारी मुझे करनी है। तो बाय गाइस, मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय करो सोना, बाय।